हेलो इंजीनियर जी, शुभ संध्या। तो आज आपके लाए हैं एक बढ़िया तरीके का अलग से एक रोबोट। तो ये जो व्हील आप देख रहे हैं ये एक रोबोट है एक्चुअली। तो ये व्हील को चलाने के लिए आप लोगों को अलग से कोई सर्किट या अलग से कोई इंजन लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही इसका इंजन है। मतलब आप इसके अंदर जो सर्वो हमने फिट किया है उसके मदद से ये प्रोजेक्ट चलता है। तो ये एक बेहतरीन एक न्यू टेक्नोलॉजी का रोबोट है। तो चलिए अभी इस रोबोट को हम लोग किस प्रकार से आसानी से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं इस पर मैंने 8 दरवाज़ा इस पर फिट किया है, जो कि ये दरवाज़ा नहीं है, ये एक्चुअली एक प्रकार का गियर है जो कि इस पहिए को आगे भेजने में सहायता करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सर्वो लगाया है, 8 सर्वो लगाया है और एक माइक्रो कंट्रोलर लगाया है जिसके मदद से ये सर्वो काम करता है। तो ये एक बेहतरीन एक गैजेट है। इसका ऑन ऑफ यहाँ पर रखा है मैंने, तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से प्रोग्रामिंग हम लोग अपडेट कर सकते हैं और पीछे से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अंदर जो बैटरी है वो बैटरी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है वो हमने किस प्रकार से बनाया है, तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं, कुछ नया एक रोबोट बनाते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये तो कंप्लीट हो गया अभी, तो इस पर मैंने ज्यादा कुछ नहीं लगाया है। आर्डिनो से डायरेक्ट हमने ये जो सर्वो है सर्वो को कनेक्शन किया है, लेकिन सर्वो बहुत सारे सर्वो है इसलिए हमने अलग से इसको वोल्टेज देना पड़ेगा ताकि सभी सर्वो चल सके, क्योंकि आर्डिनो का जो वोल्टेज है उसके मदद से 8 सर्वो एक साथ नहीं चलेगा, इसलिए अलग से उसको वोल्टेज देने के बाद
ये अलग से चलता है, ठीक है। तो इसका जो प्रोग्रामिंग और एसटीएल फाइल सभी आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं और अपने घर पे खुद ही बना सकते हैं इसको। तो देखा आपने किस प्रकार से ये आसानी से हम लोग घर पे बना सकते हैं। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।